मुख्यमंत्री के आगे गिड़गिड़ाई महिला, महिला ने लगाया भाजपा पर आरोप। हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल पहुंचे राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अस्पताल का निरीक्षण किया, जिसके बाद वे आगे की तरफ बढ़ रहे थे कि अचानक लंबे समय से अपने मांग के लिए आंदोलन कर रहे उपनल कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री को घेर लिया। इस दौरान अस्पताल में काम करने वाली महिला ने मुख्यमंत्री के आगे अपनी कई मांगों को लेकर गिड़गिड़ाने लगी। महिला ने मुख्यमंत्री से बोलते हुए कहा कि उनके बच्चे रोड पर हैं, उनकी स्थिति काफी खराब है। हम आपको बता दें कि उपनल के कर्मचारी नियमितीकरण के समान कार्य के अनुरूप समान वेतन और बीते महीने पहले किए गए हड़ताल के दौरान 78 दिन का वेतन दिए जाने की मांग कर रहे हैं। वही कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री से कहा कि उनके साथ मुख्यमंत्री के करीबी लोगों ने धोखा किया है, जिसके भाजपा सरकार की पोल खुलती नजर आई। यार कैमरा पीछे कर लो भाई, गंगा जी ने भी हमें धोखा दिया, उन्होंने हमें वापस आकर धोखा दिया इन्होंने।